हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम। तो आज फ्रेंड्स हम लोग छुट्टियां हैं, हमारी 3 दिन की छुट्टी है, तो हम लोग गांव जा रहे हैं अपने। तो आपको मैं यहां देहरादून से स्टार्ट करी है हमने अपनी जर्नी। अभी हम पहले घर जाएंगे तो आपको मैं रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है देहरादून से चलना, और अभी हम जो है मसूरी रूट में हैं। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये है भट्टा फॉल वाली जगह है, यहाँ पे बीच में पड़ती है मसूरी की, और बहुत ही अच्छा प्लेस है यहाँ पे मसूरी। कभी अगर आप यहाँ से हमारे देहरादून से उत्तराखंड से बाहर के हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर जब भी आएँ देहरादून तो यहाँ मसूरी ज़रूर आइएगा। बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है हमारा मसूरी का, ये पहाड़ों की रानी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। तो यहाँ से हम चलते हुए हमने जाना है चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी के लिए। पहले पड़ता है चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी से, तो वहाँ हमारा गांव है चिन्याली सौड़, ससुराल पक्ष से है मेरा घर पड़ता है ये। तो वहाँ पे आज का जो होता है मेला लगता है हमारा, नागराजा देवता जो है वो बाहर निकलते हैं, तो उसी उस उपलक्ष में मेला होता है। तो मैं आपको सारी अपडेट दूंगी इससे रिलेटेड, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ से ऊपर जो पट्टी है आपके मसूरी पड़ता है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर बाहर का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ मसूरी का। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मसूरी का, लेकिन हमें प्रॉपर मसूरी में नहीं जाना, हमारा रूट जो है बीच से कट हो जाता है गांव जाने के लिए। तो ये मसूरी है, बहुत ही खूबसूरत, पहाड़ों की रानी कहा जाता है इन मसूरी को। दोस्तों यहाँ से रास्ता नीचे को जाता है, यहाँ पे भट्टा फॉल है। भट्टा फॉल मतलब एक प्लेस है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब उन्होंने झील जैसी है, बोटिंग होती है उसमें, और नीचे कुछ वो है घूमने वाला प्लेस बना रखा है एक नीचे पे। यहाँ से नीचे टाउन में जाते हैं तब पड़ता है, यहाँ पे से नीचे दिख नहीं रहा है यहाँ से आपको, लेकिन नीचे जाते हैं यहाँ से रास्ता है। ये देखिए यहाँ से रास्ते में देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ से मसूरी पड़ता है, कैंप्टी फॉल है, धनौल्टी है, सुरकुंडा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी यहाँ जब भी आना चाहें तो आपको ये प्लेसेस, काफ़ी सारी डेस्टिनेशन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं घूमने के लिए, जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। आपका 2-3 डेज का आराम से ये टूर बन सकता है, कभी भी आप मसूरी घूमें तो घूमने आएंगे।
सबको की हालत बहुत खराब है फ्रेंड्स। पूरा रास्ता काम ही चल रहा है, टूट फूट वाले रास्ता हो रखा है फिलहाल। ये कहीं कहीं पे सही है, कहीं पे टूटा हुआ है। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे मुरियाना पड़ता है ये जगह, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। रास्ता थोड़ा बीच में टूटा हुआ था तो इसलिए हमने रूट थोड़ा डाइवर्ट करके दूसरे थत्तीउड़ वाले रास्ते से होते हुए हम लोग बीच में यहाँ पे रास्ते में हम मिले हैं। और यहाँ से फिलहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं मुरियाना। और अगर थोड़ा अभी हमारा और है तो आपको दिखाऊंगी बीच बीच में। देखिए सामने फ्रेंड्स वो दिखाई दे रहा है चिन्याली सौर। और अभी थोड़ा सा और रास्ता है हमारा भी पहुंचने के लिए, 7-8 किलोमीटर है ये। और हमें जाना है उस तरफ की रोड में जाएंगे अभी हम। तो यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए चिन्याली सौर ये दिखाई देता है, ये है गांव हमारा। तो देखिए दोस्तों अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमें वो जो सामने रूट दिखाई दे रहा है उस रूट में जाना है। तो अब हम नीचे नीचे की तरफ आते रहेंगे तो मेन रोड से हम होते हुए अपने गांव में पहुंचने ही वाले हैं। तो वो सामने आपको देखिए दोस्तों वो पुल दिखाई दे रहा होगा, वो चिन्याली सौर से बदान गाँव जाने का रास्ता है। वहाँ से उस पुल के ज़रिए हम आर पार जाते हैं और वो बहुत ही हाइटेड पुल है। यहाँ से थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है लेकिन जो है बहुत ऊंचा पुल है वो। आपको कभी मौका लगेगा तो मैं उस पुल में ले जाऊंगी और दिखाऊंगी आपको दोस्तों। तो अब यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमारा गांव जो है देखिए आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है अब हमें। तो यहाँ से जब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ से देखिए कितना सुंदर और साफ दिखाई देता है। अब जो हम यहाँ से नीचे आएँगे बस पहुँचने वाले हैं 5-7 मिनट के अंदर हम अपने वहाँ पर। और ये जो है आपका ये मेन रोड से जब हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये ज्वाइन होता है हमारा। यहाँ पे एक रास्ता जो ऊपर से आ रहा है चंबा होते हुए आता है और एक हम जहाँ से हम आए वो रूट है। तो अभी तो है सड़क गंदी हो रखी है, काफ़ी गंदी बनी हुई है। आज इस रूट से हम लोग आए हैं, वापस जाते समय हम लोग चंबा वाले रास्ते से ही जाएंगे क्योंकि रास्ता बीच में ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए दोस्तों ऑल वेदर रोड भी कितनी अच्छी हो रखी है क्योंकि अब जो है सीज़न स्टार्ट होने वाला है चारधाम यात्रा का, तो इसलिए ज़ोर शोर से काम चल रहा है। कहीं कहीं पर अभी थोड़ा टूटा हुआ भी है तो ये सड़कों में भी काम पूरा है। साल भर पहाड़ों में तो साल भर ही लगा रहता है काम, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब हम गांव पहुंच ही गए हैं, तो अब हम 3 दिन की छुट्टी के लिए आ रखे हैं दोस्तों। तो मैं आपको अपने हर एक वीडियो में अपडेट देती रहूंगी कि हमने क्या करा गांव आकर और हम किस मकसद से हम गाँव आए हैं, तो आपको बताऊँगी। हर साल अब अप्रैल के टाइम पर हम लोग आते हैं, क्यों आते हैं ये सब आपको मेरी आने वाली वीडियो के ज़रिए से आपको पता चल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये हमारी यहाँ से देखिए ये मंदिर है हमारा, तो यहाँ से हमारी सीमा स्टार्ट हो जाती है चिन्याली सौर की। तो आप भी फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं, आपको भी अगर गांव अच्छा लगता है और आप उनकी जो कल्चर है उससे टच में होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपनी आँखों से कि क्या होता है अभी भी हमारे गाँवों में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और आने वाली वीडियो को भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी सब। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, आज फर्स्ट डे है तो अभी यहाँ तक ही मैं अपने वीडियो को फिनिश करूँगी फ्रेंड्स। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको अपडेट दूँगी। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो दोस्तों, बाय।